नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाग्य दृष्टि में। मित्रों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों के थोड़े से भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। जीवन में हर तरफ से संकटों से घिर जाने पर भगवान भोलेनाथ की आराधना न केवल भक्त के सभी संकट को दूर करती है, बल्कि उन्हें मोक्ष की ओर भी अग्रसर भी करती है। मनुष्य के जीवन में किए गए पापों को दूर करने के लिए लिंग पुराण में और भगवान के शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान शिवलिंग की आराधना। यदि आप शिवलिंग की आराधना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई क्लेश हो रहा है या कोई अड़चन परेशानी आ रही है, तो भगवान शंकर के कुछ उपाय हैं, वो उपाय आप करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 7 प्रभावशाली उपाय। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय। तो सबसे पहला उपाय है भगवान शिव के मंदिर परिसर में जा कर के और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। इस मंत्र का आप जब जाप करेंगे तो यदि आपके घर में कोई भी रोग है या कोई भी पीड़ा है या कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस मंत्र का आप भगवान शंकर के मंदिर में जा करके जाप करें। आपके रोग, शोक, चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय है प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर के ऊपर रुद्राभिषेक करें। भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को लेकर के इनका सम्मिश्रण बना करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। इसको करने से यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानियां आ रही हैं तो आप अवश्य उस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर जाएंगे। तीसरा उपाय है यदि आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो भगवान शंकर के ऊपर कच्ची दूध यानी गाय का कच्चा दूध है, वो दूध लेकर के भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करें और साथ में काले तिल, काले तिल भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो यदि आपके घर में कोई भी रोग और शोक है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही बड़े दयालु। चौथा उपाय है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 21 बिल्वपत्र लेकर के और उन पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शंकर को अर्पण करें। इससे भी भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पांचवा उपाय है यदि आपकी संतान नहीं हो रही है या संतान से संबंधित कुछ बाधाएं हैं, तो आप भगवान शंकर के ऊपर धतूरे का पुष्प अर्पित करें या धतूरे का फल लेकर के भगवान शंकर को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय करके भगवान शंकर की प्रार्थना करें, तो आपकी आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। छठा उपाय है जीवन में सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप करें मंदिर में जाकर के या मंदिर के प्रांगण में बैठ करके इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई संकल्प लेकर के आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो वो संकल्प आपका अवश्य पूरा होगा। सातवां है वैवाहिक जीवन की सुख पाने के लिए यदि आपके घर में कलह क्लेश चल रहा है या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती है या आपकी पत्नी का पति के साथ नहीं बनती है, तो भगवान शंकर का सोमवार का व्रत रखें। सोमवार के व्रत रख करके भगवान के शिव मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इन चीज़ों का अभिषेक करें और सोमवार के व्रत रखें और सोमवार के दिन गरीबों को भोजन खिलाएं।
तो इन उपायों से आपकी जो भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और वो इन परेशानियों को दूर कर देंगे। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो हम दोबारा आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर भोलेनाथ।